विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा थाना कटघोरा ग्राम लखनपुर जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लखनपुर का निवासी हूं। जमीन के संबंध में अनिल यादव पिता ओमकार यादव के द्वारा मेरे साथ जातिगत गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जा रहे हैं एवं गांव से बेदखल करने की बात कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मैंने थाना अनुसूचित जाति जनजाति कोरबा में शिकायत की हूँ, लेकिन आज तक थाने वाले के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। अनिल यादव मुझे और मेरे परिवार को माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देता है और ये भी कहता है कि तुम लोग नीच जाति के हो, साले चमार तुमको गांव में नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जमीन जबरन कब्जा कर लेंगे, तुम लोग जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे अधिकारी कर्मचारी से संबंध है, एक फ़ोन में मेरा काम हो जाता है, ऐसा कहकर धमकी दिया जा रहा है। हमारा खसरा नंबर 532A खा है, जिसको अनिल यादव के द्वारा जबरन मेरी भूमि स्वामी हक की भूमि पर जबरदस्त कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उक्त भूमि के अलावा हमारे पास कोई भूमि नहीं है, उक्त भूमि के फसल से ही हमारा पालन पोषण होता है, इसके अलावा हमारे पास कोई भूमि नहीं है, गरीब परिवार है, रोजी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, अनिल यादव के ऊपर उचित कार्यवाही कर हमें न्याय दिलाया जाए। कोरबा कलेक्टर जन चौपाल दिनांक 15/7/2024 को आवेदन लेकर गई थी कि खसरा नंबर 532A खास जमीन का नक्शा ऑनलाइन चढ़वाने तथा नक्शा कटवाने पटवारी आई रविंद्र जायसवाल के द्वारा 5 लाख रुपये पैसे की मांग की जा रही है। कलेक्टर साहब के द्वारा हमें जन दर्शन में कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करती हूं कि उनके ऊपर ठोस कार्यवाही की जाए। जी सर, रीना पाल ग्राम लखनपुर से, तहसील पौड़ी उपरोड़ा। क्या समस्या अपन की? यहाँ जमीन से हम लोगों को भगाना चाहते हैं सर, 75 से यहाँ काबिज है और दादाजी पूर्वज जमाना पट्टा मिला था, पर्ची भी है, फिर भी गांव वाले लोग हम लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे करके हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं और बगल में कब्जा कर लिए हैं हम लोगों की जमीन को, 50-70 डिसमिल होगा वो कब्जा किया है। वो किसने किया आपकी जमीन को कब्जा? बगल में है अनिल यादव, वो किया है और बार बार वही सभा पंचायत करवाता है, आ रही पटवारी को भी बुलाता है, फिर सभी के साथ तोड़ फोड़ बाड़ी को करवाता है सभी के सामने में। आपने इसके बारे में थाना में शिकायत किए थे? जी, थाना में भी किए हैं, एसपी में भी दिए हैं कोरबा में, और अजाक थाना में भी, और कलेक्टर में भी दिए हैं, और कटघोरा थाना में भी दिए हैं सर। तो आप थाना में दिए तो क्या बोले, थाना वाले क्या बोले? थाना वाला कुछ नहीं कर रहे हैं सर। कलेक्टर ऑफिस में गए जनरेशन में तो क्या हुआ, अभी तक कुछ लड़ाई हुआ? नहीं हुआ है सर, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। क्या बोले कलेक्टर साहब? क्या बोले कलेक्टर साहब? बोले ऐसा नहीं करते हैं अधिकारी लोग, आप लोग उन लोगों को फंसा रहे हैं, ऐसे बोले हैं। इनको बोला? हम लोगों को, फिर हम लोगों फाइल को पटक दिए कलेक्टर साहब ने। अच्छा, कलेक्टर साहब क्या बोले, क्या क्या आप अनुशासन दिए, कैसे बोले आपको बताइए? हम लोग बोले कलेक्टर साहब के पास, सर ऐसा ऐसा बात है करके, तो ऐसा नहीं पट्टा वाला जमीन है तो पट्टा पर्ची को भी दिखाए हैं, सभी फाइल को दिए थे तो पटक दिए वहीं पर, और कुछ ऐसा नहीं हो सकता, अधिकारी लोग ऐसे 5 लाख आपसे क्यों मांगेंगे ऐसा करके बोले, और गरीब आदमी है सर, अपने बाल बच्चों को रोजी मजदूरी करके पालते हैं, कहाँ से पाएंगे, तो आ रही साहब पैसा की मांग करते हैं, पटवारी साहब भी जमीन को घुमाते हैं, यहाँ आप लोगों की जमीन नहीं है करके, अब 75 से जब से पट्टा मिला था तभी से यहाँ दादाजी लोग यही हैं, अब हम लोग भी 20 साल हो गए खेती किसानी करके, अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, फिर भी चैन से जीने नहीं दे रहे, जाति विवाद भी करते हैं, यहाँ के लोग छुआछूत करते हैं। अजीत वसन। अजीत वसन वहीं गए थे तो? जी। फिर क्या बोला? वो वैसे ही बोले कलेक्टर साहब? जी। कैसे कैसे सदस्य संबोधित किए? आप लोगों को, आप लोग फंसा रहे हो उसको, आप लोगों पास तो इतना आय भी नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, ये बताना जाति विवाद का जो आप के ऊपर लगा रहे हैं, तो आपने यहाँ आपके थाने में किए थे? आपके जी जी, कटघोरा थाना में एक बार तो ये अंदर हुआ था सर, फिर भी नहीं मानते हैं ना, बीच बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहता है,
कोई जाति विवाद करके यहाँ से भागेंगे ऐसा करके। अच्छा, किन किन शब्दों से आपको संबोधित करता है बताइए। ओ चमार हो बोलते हैं, यहाँ नहीं रहने देंगे ऐसे करके ना बोलते हैं। सभा में भी कई लोग बोले थे, सर आए थे, सरपंच आर आई पटवारी के बीच में भी कई जो बूढ़ा लोग रहते हैं ना वो लोग भी बोले हैं कि लोग चमार लोग हैं, यहाँ यहाँ से आकर बसे हैं, यहाँ से आकर बसे हैं करके हम लोगों को बदनामी करते हैं। यहाँ सरपंच के पास भी इस बात को रखे थे, इस प्रकार से समस्या आ रहा है क्या कि? जी सरपंच तो खुद उन्हीं लोगों के साथ है सर, और अनिल यादव भी बोलता है कि मेरे पक्ष में तो गांव वाला है और मैं 112 चलाता हूँ, मेरा क्या उखाड़ लोगे, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो ऐसे बोलते हैं। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच जगदीश नागवंशी। कहाँ रहते हैं सरपंच? यही ग्राम लखनपुर। अच्छा ये बताना, आप लोग कितने परिवार के होते हैं यहाँ, कितना परिवार निवास करते हैं आप लोग? अभी तो यहाँ हम लोग 5 परिवार रहते हैं, पर मेरे सास ससुर और बूढ़ी सास सब लोग हैं, सब यहाँ रहते हैं और रोजी मजदूरी वहाँ करते हैं, फिर सब लोग यहीं रहते हैं, यहाँ कुछ दिन वहाँ रहते हैं ऐसे करके। तो आप क्या चाहते हैं? सर मैं आप न्याय चाहती हूँ, मेरा जमीन हमें मिल जाए, बार बार लड़ाई झगड़ा ना हो। 532/1 खाका ओ आ रही पटवारी भी नक्शा कटवाने के लिए बार बार उनसे निवेदन करते फिर भी नहीं काट रहे हैं, घुमा रहे हैं हम लोगों की जमीन को, उसी का हम लोग न्याय चाहते हैं कि हम लोगों का जमीन हमें मिल जाए, बार बार लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, बस यही सरकार से निवेदन है कि मेरी मांग को पूरी करें, मैं अपना जमीन चाहती हूँ। क्या नाम है अपन के? मोन्ना लीला भाई। कहाँ रहता कर? लखनपुर में। अच्छा ये बताइए कि अपन के जमीन ला कौन कब्जा करे है? अब एक के आस पास के कब्जा कर ले हैं, हमारे भगा ला चाहते हमारा 75 के हमन सर खूटा काट के बसे हैं, घनी कोई नहीं रही अनिल सा, अनिल है बार बार लड़ाई झगड़ा करते, छुआ छूत मानते और गालू गलौज पर करते और सब जगह लेकिन डर के आगे तह सरकार हमला न्याय चाहिए है, यही मांग है सरकार करे हम। अच्छा, अनिल कहाँ रहते? अनिल है बगल वाला हरे। अनिल का काम करते? 112 चला थे का। कौन कौन आ रही है जांच वांच में कोई अधिकारी? वो आ रही अधिकारी पटवारी खुद आ रही से और आई यार आ रही से गांव के सरपंच उप सरपंच सब जुड़ के हमारे खेत ला दिन बहु कर रहे हैं, तौला टोरत पोरत रही से नहीं राखा तुम अल्लाह कर नहीं रहे दिन रास्ता देवा हम रास्ता बनाबो एक ट्रैक्टर के करके मांग कर रहे थे सर, हम धान चाउर बो रहे नहु लखूं दात खांदत रही ने हमारे भगाए चला के हाथ से सर, हमारे कोई नहीं सुनाते जिया जाथन तिहा कोई नहीं सुनाते, हमारे गरीब के कार्यवाही नहीं होते सर, न्याय दिया चाहिए। अच्छा ये बताइए कौन आ रही थी? सरपंच आ रही थी? सरपंच आ रही से नाम लखन जगदीश ना है जगदीश। क्या बोली सरपंच? सरपंच कोई सब एकता में रही सर, हमारे कुछ नहीं बोली, नुकरेदार हो गई हमने देखा भैया सरपंच आए है और पटवारी आए है आई आ रहा है सब तुमने देखा था सामने में और तू कुछ नहीं आ करत नहीं आ कहा था हमन का करबो दाई कहा था उल्टा होकर आगो में तोड़वात रही सब जन हमारो रोके चिल्ला था गाँव वाले एकता हम लोग भगाए बोला फिर डंडा धारा थे हम दो आदमी का करे सकबो सर डर में खुद जान बचा थे मन के डर में तो ओकरे इंसाफ मांगा था सर। तोरा वो तो खुद तोरा तोरा कहा थे आई आर पटवारी खुद तोरा खुद देखा थे मन कुछ नहीं बोले हम तो खुद कहे सर के आई आर पटवारी साहब देखा ना तुमन अधिकारी है तुमन के सामने में तोरा थोरा थे तो इंसाफ करा सर तो हमन कुछ नहीं कहे सर मन खुद कहा थे टोरा टोरा हम का करेंगे कहा थे। हाँ रविंद्र जय सवाल ना है तो मौजूद में ही टोरत रही सर पूरा गांव भर के रहने थे कोई एक आखर नहीं बोले हमारे गरीब के कोई सुनवाई नहीं होते सर हम जगह जगह जाथन थे नहीं सुनवाई होते खुद आई यार पटवारी साहब और सब गांव के सरपंच सचिव कहा कथे थे सब दुनिया के रहने थे कोई कुछ नहीं बोले सर। सब जगह गहन सर हमारे गरीब मन के तो इसने होते थे आम जनता के का हुई सर कलेक्टर साहब फेंक देते कागज लता सुनाई होते नहीं है हमारे तो कहाँ जाएगो हार लेके सरकार के पास जाते तो सरकार तो हमारे कुछ कार्यवाही करते नहीं सुनते नहीं हमारे बात ला तो गरीब कहाँ जाबो इंसाफ मांगे ला।
जानदार सा कोई काम के नहीं सर, वहाँ गांव तो हमारे कुछ कार्रवाई हो ना सुनाई हो, ये देखावा के लिए जानदार सन बने हैं। आओ कोरबा में गए रहे तो कुछ काम नहीं हुई, जो दंड नाव के जानदार सन दुनिया के पब्लिक जुटा थे और कुछ काम नहीं कर रहे थे साहब।